आज यहाँ से मैं बाइक रैली का शुरुआत कर रहा हूँ। मेरा मैसेज बहुत क्लियर है कि इलेक्शन के टाइम, क्योंकि ये इलेक्शन का टाइम नहीं है, तो मोस्टली जो भी राजनीतिक पार्टी है वो चुप है। अगर ये 2022 होता, ये अगर 2022 होता तो सब पॉलिटिकल पार्टी पिपरासा के संग खड़ा होता और बोलता हम सीए का विरोध कर रहे हैं। अगर ये 2017 होता, इलेक्शन के 6 महीने पहले, तो रोड ब्लॉकेड हो जाता। लेकिन क्योंकि इलेक्शन का टाइम नहीं है, तो हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है इस राज्य में, इन्होंने हमें कहा है कि ये तो इलेक्शन का टाइम नहीं है, वोट नहीं मिलेगा, तो हमने अपने तिपरासा को छोड़ दिया। ये हमारा परिस्थिति है ये राज्य में कि हमारे संग सिर्फ पॉलिटिक्स होता है। आज मैं अनिमेश, श्रीधाम, डेविड, अनंत बाबू, पताल कन्या और जो भी हमारे संघ है, ज्वाइंट मूवमेंट अगेंस्ट सीएबी है, सीएए है, हम लोग आपके लिए लड़ रहे हैं। आपका वोट नहीं चाहिए। ये जो हमारा जो रैली है, बाइकर्स है, आप लोग ग्राम ग्राम में, कामी कामी में जाइए और बोलिए कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हमारे खिलाफ है, हमारे दोफा के खिलाफ है, हमारे राज्य के खिलाफ है, हमारे देश के खिलाफ है। आप लोग जाकर ये मैसेज दीजिए, हमको वोट नहीं चाहिए, हमको थानचा चाहिए। थानचा होगा तो हमारा दोफा आगे बढ़ेगा। किसी के खिलाफ आपको नहीं बोलना है। ये रैली एंटी बंगाली रैली नहीं है, ये रैली प्रो तिपरासा, प्रो इंडिया, प्रो त्रिपुरा रैली है। आप जाकर एक बात बोलिए कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि बीजेपी को पश्चिम बंगाल जीतना है, ममता बनर्जी को खत्म करना है, तो आपने पूरा नॉर्थ ईस्ट को बलि कर दिया। आप जाके बोलिए कि बीजेपी को तिपरा के बंगाली ने वोट नहीं दिया सीए लाने के लिए, क्यों दिया था वोट? कहा था बेकार बांटा होगा, बोला था रेगा में 340 रुपए मिलेगा, स्मार्टफोन मिलेगा, वो मिस कॉल करने से आपको चाकरी मिलेगा। क्या बोला गया था? 7th पे कमीशन मिलेगा। कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ है? सीए आपने लाया। क्यों लाया? क्योंकि पश्चिम बंगाल जीतना था। ये बिल आपने क्यों लाया? त्रिपुरा जिसने 1940 में शरणार्थी को रखा, जिसने 46 में महाराजा बी विक्रम ने नौखाली के बाद रखा, कंचन प्रभा देवी ने स्वास्थ्य कमेटी को जमीन दिया 1948 में, तब रखा 56 में भारत सरकार ने रखा, 65 में रखा, 71 में रखा, आज आप क्यों बोल रहे फिर से रखो? दूसरे राज्य ने रखा? नहीं रखा। मिजोरम ने रखा, नागालैंड ने रखा, मणिपुर ने रखा, एक को नहीं रखा। लेकिन जब पार्लियामेंट में आपने ये बिल पास किया, तो आपने मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर को बाहर रखा और त्रिपुरा को फिर से रखा। क्यों? क्यों? क्योंकि वोट बैंक चाहिए आपको। ये वोट बैंक का पॉलिटिक्स है। अगर आप चाहते हैं कि शरणार्थी को रखे, मैं भी जानता हूं, मेरा भी दिल खराब लगता है जब बांग्लादेश में हमारे हिंदू को मारा जाता है, मंदिर को तोड़ा जाता है, मुझे भी खराब लगता है।
तो आप भाग भाग करके पूरे इंडिया में रखिए, सिर्फ त्रिपुरा क्यों? जो राज्य के बारे जिसने एक को नहीं रखा उनको क्यों नहीं? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपका मैसेज है कि हमको वोट बैंक चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने आज क्या पोजीशन लिया है? बोलता है कि हम सीएए का विरोध करते हैं, लेकिन हमको एनआरसी नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी भी धर्म के नाम में पॉलिटिक्स कर रहा है, बीजेपी भी कर रहा है, और हमारा आंचलिक पार्टी। अगर ये 2017 होता, अगर 2022 होता, तो आज पूरा आंचलिक पार्टी यहाँ में अपोज विरोध करता, लेकिन इलेक्शन का टाइम नहीं है, वोट नहीं चाहिए अभी, तो हम लोग इलेक्शन के टाइम करेगा। आज कौन तिपरासा के बारे परवाह कर रहा है? आज कौन सुप्रीम कोर्ट में जाकर सीए का केस लड़ रहा है? आज कौन अपने पूरे बाइकर रैली को बोल रहा है, आप ग्राम ग्राम में, कामी कामी में जाकर वोट मत मांगो, सिर्फ बताओ कि ये सीए आने से हमारा क्या नुकसान होगा? आज बांग्लादेश में 1,97,00,000 माइनॉरिटीज हैं। ये बिल, अगर ये बिल को आपने एक्ट बनाया, इस एक्ट होने के बाद आपको प्रमाण देने का कोई दरकार नहीं। आपने देखा शिमला में क्या हो रहा है, आपने देखा ख्वाई में क्या हो रहा है, कोरबुक में क्या हो रहा है, गंडतुईसा में क्या हो रहा है। आदमी लोग बॉर्डर से आ रहे हैं, अगर आप अलाउ करेंगे और डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ेगा, आप कैसे बोल सकेंगे कि कोई कल आया है, 2019 में आया है, या 2014 के पहले आया है? आज हमको प्रमाण देना पड़ता है कि न्यूंगमा हमारा है। प्रमाण नहीं दे सका, कागज नहीं दिखा सका, तो सरकार निर्महल ले लेता है अबू बकरा से। लेकिन जो बांग्लादेश से आएगा, उसको कागज देने का कोई प्रमाण नहीं होगा, वो आकर 5 साल के बाद आपका एमएलए बनेगा, आपका ऑफिशियल बनेगा, बीएसएफ का नौकरी वही बांग्लादेशी लेगा जो 5 साल पहले तक बांग्लादेशी था, वो आज आपका बीएसएफ बनकर वो आपका सरहद को सुरक्षा करेगा। आपको सोचना पड़ेगा। इसी के लिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो रैली है ये बंगाली के खिलाफ नहीं है। आज त्रिपुरा में बहुत बंगाली है जिनको नौकरी नहीं मिलता, आज त्रिपुरा में बहुत बंगाली है जिनको शिक्षा के लिए बेंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जाना पड़ता है। आज त्रिपुरा में बहुत बंगाली है जो एजुकेटेड है, इंजीनियर है, उनको नौकरी नहीं मिल रहा है। लेकिन आप और लोगों को लाना चाह रहे हैं, ये कहां का इंसाफी है हिंदुस्तानी के लिए? संख्या बढ़ रहा है और आप हमारा संख्या को और बढ़ाएंगे, लेकिन दूसरा राज्य जो नॉर्थ ईस्ट में है उनको आपने बोला है कि आप मत रखिए, आपको हम छूट दे रहे हैं। सीए नौकरी के बारे बात नहीं करता, सीए शिक्षा के बारे बात नहीं करता, सीए विधि डॉक्टर के बारे बात नहीं करता है, सीए सिर्फ जाति, धर्म, भाषा के बारे बात करता है। हम ऐसे कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि आसाम, त्रिपुरा पूरा इंडिया से अलग है। जो शाहीन बाग में हो रहा है, हम शाहीन बाग में जो हो रहा है और जो त्रिपुरा में हो रहा है वो बहुत अलग है। हमारा, हम अपने भाषा, आइडेंटिटी, कल्चर के लिए लड़ रहे हैं, वो लोग कुछ और मुद्दे में लड़ रहे हैं। इसको नेशनल मीडिया भी नहीं कवर करता, नेशनल मीडिया इसको सिर्फ हिंदू मुसलमान के बारे बोलता है। मैं नेशनल मीडिया को बोलना चाहता हूं, मैं भी हिंदू हूं, हमारे हम भी मंदिर जाते हैं,
ये धर्म के लिए नहीं है, ये अपना भाषा, अपना कल्चर, अपना आइडेंटिटी को बचाने के लिए। यहाँ में जितने बाइकर्स हैं, आप लोग ग्राम ग्राम में जाओ, कामी कामी में जाओ, आप वहां में रात में रहो, आप बताओ कि ये क्या हो रहा है। और सीपीएम पार्टी जो दिल्ली में बोलता है एंटी सीए, त्रिपुरा में मानिक सरकार के मुख से शब्द क्यों नहीं निकलता, क्यों नहीं निकलता है? दिल्ली में मीटिंग होता है, मानिक बाबू क्यों नहीं जाता है? वन सुख दे, लेकिन बुभागरा बोलेगा तो कॉम्युनल। और यहां में बहुत लोग हैं जो पिपरासा बंगाली के बीच में दंगा लड़ाना चाहते हैं। दंगा नहीं होगा, क्योंकि दंगा होगा तो जैसे मीडिया ने सवाल पूछा, कॉम्युनल एटमॉस्फेयर, एकता, अरे एकता तोड़ने वाला प्रद्योत विक्रम माणिक्य नहीं है, एकता तोड़ने वाला वो लोग है जो वोट के लिए जाति को लड़ाता है। आज बंगाली त्रिपुरा में लड़ाया, कल बंगाली हिंदू बंगाली मुसलमान में लड़ाएगा, कल एक बंगाली ओबीसी एससी को ऊपर जात से लड़ाएगा, पिपरासा में देवर्मा को कोलोय से लड़ाएगा, कोलोय को रंगखोल से, रंगखोल को ब्रू से, ब्रू को मीजो से। हम लोग मीजो के भी खिलाफ नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं। अगर त्रिपुरा को आगे बढ़ना है, अगर त्रिपुरा को आगे बढ़ना है तो ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम, ये जो पॉलिटिकल 70 साल से ये पॉलिटिकल सिस्टम जिसने डुंगुर किया, जिसने 1980 में दंगा किया, जो सिर्फ नफरत फैलाता है, जो नौकरी नहीं देता है, जो सिर्फ बोलता है कि आपका नौकरी बंगाली ने लिया, कुमुलों में बोलता है आपका नौकरी बंगाली ने लिया, और कंचनपुर में बोलता है ब्रू आएगा तो बंगाली को हटाना पड़ेगा, क्यों हटाना पड़ेगा? ये पॉलिटिकल सिस्टम आपको बांटता है, आपको सुविधा नहीं देता है। एमएलए का जॉब क्या है? एमएलए का काम क्या है? रास्ता बनाओ, नौकरी दो, बिजली लाओ, शिक्षा लाओ, वो बात नहीं करेगा। वो बोलेगा ये देवर्मा है, वो विश्वास है, वो ब्रू है, ये मुसलमान है, ये मिजो है, ये दरलोंग है। ऐसा पॉलिटिक्स बुबागरा को नहीं करना है। थंचा का मतलब क्या होता है? थंचा का मतलब होता है उन्नति। उन्नति तभी होगा जब हम लोग एक होकर काम करेंगे। ब्रू का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ? 22-23 साल से कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, सीपीएम चुप था, जबकि वोट बैंक उनका ही था। लेकिन जिस दिन देवर्मा, रूपिणी, जमतिया, रंगखोल, चकमा, मोग ने ब्रू के लिए बात किया, दो महीना में ब्रू का समस्या का हल हुआ। यही सरकार जो नवंबर में 1 किलो चावल नहीं दे रहा था हम लोग का ब्रू को, 1 किलो चावल नहीं दे रहा था हम लोग का रियांग को, वही सरकार 2 महीने के अंदर अमित शाह ने साइन किया, 600 करोड़ रुपया मिला। क्यों? थंचा उंदी, थंचा रहेगा तो हम लोग उठेंगे, थंचा नहीं रहेगा तो कुछ नहीं मिलेगा।